आसान हो जाता है सर। इसको इसके अंदर ना कुछ कुछ मेथड्स भी हैं काम करने का। मैंने बोला ना कि पहले वाला पहले बेच देंगे, बाद वाला बाद में बेचेंगे, तो इसमें ना कुछ मेथड्स है। तो कितने मेथड्स है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं फटाफट कि इन्वेंट्री में कितने मेथड हैं। इन्वेंट्री के अंदर सर, इन्वेंट्री में कितने मेथड है? इन्वेंट्री क्या है सर, चैप्टर बोल लो, मटेरियल बोल लो, कुछ भी बोल लो आपकी इच्छा है, कितने मेथड है? हालांकि बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन प्योरली हमारे लिए और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है ना, वो तीन मेथड माने जाते हैं। और हम तीनों मेथड को ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले मैं लिख दूं, समझा दूं, फिर उसके बाद चलेंगे हम उस मेथड पे। सर कौन कौन से तीन मेथड है? एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 1 तारीख को समान, 2 तारीख को समान, 3 तारीख को समान और 5 तारीख को समान। इस दिन मैंने 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट और 400 यूनिट, ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, ये स्टॉक है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये स्टॉक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि भैया इसमें से कुछ स्टॉक को ना भेजने का टाइम आ गया है। मेरे पास फोन आया और बोला भैया सामान भेज दो। मेरे पास फोन आया और बोला सामान भेजो, भेजने का मतलब क्या कर दो, इशू कर दो। अब मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये वाला सामान भेज सकता हूँ या फिर ये वाला सामान, दो ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल। डेट के हिसाब से मैं रजिस्टर में एंट्री देखूंगा कौन सा सामान भेजना है। अब मेरे गोडाउन के अंदर 1 तारीख को सामान आया, 2 को आया, 3 को आया और 5 को आया। सबसे पहले कौन सा सामान आया मेरे गोडाउन में? 1 तारीख वाला। तो मैंने क्या करा, एक बार को ये वाला सामान मैंने भेज दिया, ये वाला सामान मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर से फोन आया, भैया और 50 यूनिट भेजो, 100 तो भेज दिया और 50 भेजो। मैंने उसके बाद कौन सा भेज दिया, ये वाला। फिर मैंने क्या करा, 8 तारीख को और 800 यूनिट खरीद लिए। फिर मेरे पास फोन आया तो मैंने ये वाला भेज दिया। यानी मेरा टेंडेंसी देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने वाला माल को पहले बिक जाए ताकि खराब ना हो, पुराने वाले माल को हम पहले भेज रहे हैं ताकि खराब ना हो। तो इसका मतलब जो पहले आ रहा है ना हमें, उसको ही पहले भेज रहे हैं, जो पहले आ रहा है उसको हम पहले भेज देते हैं। यानी अगर इसमें से मैं बात करूं कि भैया 1, 2, 3, 5, 8 में से पहले कौन सा आया, तो जवाब है सर 1 वाला पहले हमारा आया। तो यानी जो पहले आया उसे पहले भेज देंगे। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में हम बात करें ना, इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो पहले आएगा यानी फर्स्ट, फर्स्ट आया का मतलब क्या होगा, इन, और भेजेंगे भी कौन सा, फर्स्ट, और गया का मतलब आउट। तो इसको प्यार से हम शॉर्टकट में अगर लिखें क्या बोलेंगे, फीफो। एग्जामिनर भी पूछे, जानते हैं कि भैया लंबा नाम हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो इस नाम को क्या इस्तेमाल करते हैं, फीफो के नाम से बोलेंगे। फीफो का मतलब यही सिंपल सी बात है, पुराने वाला सामान भैया पहले बेचा करो, जो पहले गोडाउन के अंदर आया उसे पहले बेचो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हमारा फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले नाम में देख लो, क्योंकि बहुत बच्चे नाम में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है। फर्स्ट इन मतलब गोडाउन में पुराने, मैं लिख देता हूँ कौन सा माल इस वाले सिचुएशन में, अगर ये मेथड आता है तो पहले कौन सा माल बेचोगे आप, नए वाला या पुराने वाला आपको बेचना है, यानी आपको सर इशू करना है। इशू करना है कौन से वाला सर, ओल्ड वाला पहले, बस याद रखने के लिए कई बार भूल जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद मान लेते हैं एक और मैं टेंडेंसी आपके सामने लेके आया, एक और लेके आया मैं आपके सामने सिचुएशन। सर क्या सिचुएशन लेके आया, कि मान लेते हैं आपके पास डेट है इतने सारे, और डेट इतने सारे, मैंने कहा मेरे पास फोन आया, ये सेकंड केस देखिएगा, मैं इशू करने जा रहा हूं, मेरे पास फोन आया कि भैया एक काम करो 200 यूनिट भेज दो। मैंने क्या करा, यहां से 200 यूनिट उठा के भेज दिया। फिर फोन आया, भैया एक काम करो 700 यूनिट और भेजो। मैंने यहां से फिर से उठा के भेजा, कितने यूनिट सर, 600 ही है यहां तो, और मैंने 100 यूनिट यहां से उठा के भेजा। तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है सर। मैं पहले कौन सा भेज रहा हूँ, नए वाला पहले भेज रहा हूँ। अब इनमें से अगर मैं बोलूँ कि भैया इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा हमारे गोडाउन के अंदर एंट्री ले रहा है, तो आप बोलोगे सर 8 तारीख वाला जो है सबसे लास्ट में गोडाउन में एंट्री ले रहा है, 8 तारीख वाला सबसे लास्ट में एंट्री ले रहा है, मैं सिंपल सी बात करूं तो। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट वाला जो ले रहा है ना, तो इसका भी एक नाम रख दिया गया,
इसमें आपने क्या कहा, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, इसमें क्या है हमारा टेंडेंसी कि लास्ट में जो आया उसको हम पहले बेचेंगे, लास्ट में जो आया उसे पहले भेजेंगे, और लास्ट में को हम लिख क्या देंगे, लास्ट, और आया का मतलब इन, और बेचेंगे कब, फर्स्ट और आउट। मैं बेचेंगे वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हमारे ना समझ में आता है, बेचेंगे यानी जा रहा है हमारे पास से। यानी सर यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा आप क्या करोगे, न्यू वाले को इशू करोगे, न्यू वाले को इशू करोगे। सर यहाँ पे कौन सा स्टॉक इशू करोगे, सर न्यू वाले को इशू करोगे। एग्जाम में देखो सवाल आएगा, बहुत आसान है, कई बार बहुत चीजें ना आसान लगती है और हमें विश्वास भी नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन इतने नंबर का आ सकता है, लेकिन आता है तो आता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, अब ये तो तारीख वाइज था, ठीक है ना, तारीख वाइज था इसका काम। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसका प्राइसिंग इतना सेंसिटिव होता है, हर एक टाइम में चेंज हो जाता है, हर एक टाइम में, एक दिन में वो मान लेते हैं 1 तारीख को सामान खरीदता है। 1 तारीख को कैसे खरीदता है, सुबह 8 बजे खरीद रहा है, 9 बजे खरीद रहा है, 10 बजे खरीद रहा है, 11 बजे खरीद रहा है, 12 बजे खरीद रहा है, फिर 2 बजे, यानी एक दिन में ही कई बार सामान को खरीद रहा है और फिर इसको सप्लाई कर रहा है। कुछ ऐसा काम है कि एक दिन में मैं कई बार सामान को खरीदता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, सप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये मार्केट काफी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने का मतलब कि सर हम एक दिन के प्राइस में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन सा भेजना है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहां पे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसलिए हो गया क्योंकि तारीख था हमारे पास, एक बार सामान आया हम आराम से बैठे हुए हैं, उसके बाद हमने क्या करा, उसको भेज दिया भाई, फिर दोबारा सामान आया, फिर देखेंगे। यहाँ पे तो फटाफट आ रहा है, हम अब कौन सा सामान पहले दें ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एवरेज का सहारा ले लेते हैं कि हम क्या प्राइस पे बेचेंगे उसको, एवरेज पे हम उसको बेचेंगे, किस प्राइस पे, एवरेज पे बेचेंगे। तो एवरेज पे जब बेचेंगे तो उसका नाम हो जाता है हमारा सर वेटेड एवरेज। यहाँ पे क्या है, सिंपल एवरेज भी सिलेबस का पार्ट है लेकिन वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेज का मतलब सर ये उनके लिए पॉसिबल होता है जो फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, और ये सारा काम पता है कौन करते हैं, वैसे ये करते हैं जैसे कि मनी एक्सचेंजर है, मनी का प्राइस जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली क्या होता है सर, चेंज हो जाता है। गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड का आज जाओ रेट लेने, उनके जाओगे ना दुकान पे, वैसे आप जैसे बड़े दुकान पे जाओगे तो वहां पे रेट लिस्ट चलती रहती है, आप आज लेने जाओ क्या रेट है सर, आज 55,000 है। आप कई बार जाना पेरेंट्स से पूछना कि गोल्ड लेने जा रहे हैं, तो आप जब गोल्ड लेने जाओगे ना तो बोलोगे कि भैया ये तो पसंद आ गया 2 दिन बाद ले जाएंगे, तो वो तुरंत बोलेगा भैया 2 दिन बाद ना इसका प्राइस चेंज मिलेगा, हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है, तो हर सेकंड में उनका प्राइस चेंज होता रहता है। तो वो क्या करते हैं सर, पिछले दिन का जो एवरेज प्राइस है ना वो आज बताएंगे, आज वाला प्राइस नहीं बताएंगे। आप चाहे तो चेक कर लेना, शेयर मार्केट पे आप जाओगे ना, आप गूगल पे लिख लेना गोल्ड प्राइस टूडे, वहां पे दिखा रहा है 55,000, और शायद दुकान पे बोल रहा हो आपको 56,000, शायद दुकान पे बोल रहा हो 54,000, तो वो कल वाले का पूरा एवरेज प्राइस आज बेच रहे होते हैं लेके वो। तो ऐसे मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है उसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड। तो सर हमारे पास टोटल मिला के कितने मेथड हो गए, 3, जो मेन मेथड है, इसके अलावा भी बहुत मेथड है हमारे, एवरेज प्राइस मेथड है, सिर्फ एवरेज मेथड है, लेकिन हमारा टोटल मिला के 3 मेथड है, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक है वेटेड एवरेज है। सर अब यहाँ पे काम करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके कैसे हैं हमारे काम करने के, अब काम करने के तरीके भी देखो यहाँ पे 2 हैं। सर 2 तरीके कौन कौन से हैं काम करने के, जैसे सपोज करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे ही आया सामान, जैसे ही लिया फटाफट से हमने क्या करा उसका एंट्री कर लिया। कुछ लोग जो होता है फटाफट एंट्री करता है, यानी इंस्टेंट एंट्री करेगा, वो इंस्टेंट अपने रजिस्टर के अंदर क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। और कुछ लोग ऐसा होता है कि भैया पहले सामान खरीद लेते हैं पूरा, और संडे वाले दिन जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन हिसाब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों की फीस आया मैंने कंप्यूटर पर उसी टाइम एंट्री मार दिया, और जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी मेरे पास मैं पहले पूरी फीस लेता था और संडे को बैठ के मैं काम करता था। तो 2 तरीके के टेंडेंसी हो गई, एक क्विकली काम कर रहे हैं और एक कुछ टाइम के बाद।
तो इसको भी रिकॉर्ड करने के दो इसके अंदर प्रोसेस होता है। एक होता है हमारा परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम का मतलब इंस्टेंट रिकॉर्ड करना, जो इंस्टेंट रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलेंगे परपेचुअल सिस्टम, और जो कि हम थोड़े टाइम बाद इकट्ठा ही रिकॉर्ड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम बोलेंगे उसे। पीरियोडिक सिस्टम का मतलब सर, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने पूरे हफ्ते सामान खरीदा, संडे वाले दिन फ्री होंगे और उस दिन क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, या फिर संडे वाले दिन फ्री होंगे जितना इशू किया उसको लिख लेंगे। अब पीरियोडिक सिस्टम कौन फॉलो करता है? पीरियोडिक सिस्टम वो फॉलो करता है जिसके दुकान पे दुकानदारी बहुत कम चलती है, जिसके दुकान पे कस्टमर का इतना रश नहीं होता, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, पीरियोडिक। लेकिन जिसके दुकान पे बहुत ज्यादा कस्टमर होता है वो तो सोचेगा यार आज नहीं लिखा तो कल तो भूल जाएंगे हम, तो वो कौन सा फॉलो करने वाला है, हमारा परपेचुअल सिस्टम। तो कितने सिस्टम हो गए आपके इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज करने के लिए? एक होता है पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा, इकट्ठा एक बार करेंगे, और परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा, हमारा रोजाना काम करना होगा, रेगुलर काम करना होगा। तो सिंपल सी बात करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर क्या चल रहा है सर, तीन मेथड्स हैं। एक कौन सा है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसे लिफो बोलते हैं, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसे फीफो बोलते हैं, और एक वेटेड एवरेज। और इनको भी मेंटेन करने के दो सिस्टम है, एक कौन सा है हमारा परपेचुअल सिस्टम और एक कौन सा है हमारा पीरियोडिक सिस्टम। दो मेथड है हमारे। तो अगर हम देखें यहां पे, तो अगर हम यहां पे देखें तो सिंपल सी बात है सर, इन्वेंट्री में क्या कहा गया है देखते हैं हम क्या लिखते हैं। कहा गया कि रिकॉर्डिंग द आपका पर्टेनिंग द क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी रिकॉर्ड करना है, वैल्यू रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री आपका हेड कैन बी मेंटेन, जो स्टॉक है ना उसको मेंटेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू सिस्टम। दो सिस्टम है, एक है सर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। थ्योरी भी पूछा जा सकता है कि इन्वेंट्री मेंटेन करने के बताओ कितने सिस्टम है, तो मैंने देखा ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं लीफो फीफो वेटेड एवरेज, तो ये गलत जवाब है। सिस्टम हमारे दो है और मेथड हमारे तीन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब पूछा जाए, तो तीन से ज्यादा भी मेथड है। तो हम बेसिकली ना सिंपल सी बात है, हम सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होने वाला है और किस तरीके से हम काम करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन है, और मैं एक ही सवाल लेके तीनों मेथड करके बताने की कोशिश करूंगा। एक ही सवाल लेके, कौन सा चैप्टर है सर, चैप्टर नंबर ये 2 मिलेगा आपको, कुछ बच्चों को मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी आप समझते जाइए। कह रहे हैं बच्चे, मैं अभी फिलहाल के लिए बच्चे पूछ रहे हैं सीए इंटरमीडिएट में भी है, फाइनेंशियल सेम में भाई बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं भैया आपके। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, देखो ये बहुत जगह है, सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 4 में है, सीए इंटरमीडिएट में है, सीएमए में है, तो लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो एक बार देखेंगे, क्योंकि ये आगे चल के थोड़ा सा हैवी होने वाला है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो सारी बातों को देखेंगे। मैं एक सवाल लूंगा, उस सवाल को मैं एक बार आपको लीफो से फीफो से करके दिखा दूंगा, उसी सवाल को मैं एक बार लीफो से करके दिखा दूंगा, उसी सवाल को मैं एक बार वेटेड। तो एक सवाल से जब मैं तीनों मेथड करूंगा तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा भैया एक्चुअल डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है ना। सेम ऐसे मैं बात करूं तो ये चैप्टर ना सेमेस्टर 1 के अंदर तो बस यहीं तक रहता है, मतलब ये चैप्टर आया इसमें से क्वेश्चन आया, लेकिन जब सेमेस्टर 4 के अंदर जाते हैं ना तो ये चैप्टर आने वाले कॉस्टिंग के कई चैप्टर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक रहता है। तो ये चैप्टर में जो बच्चे सेमेस्टर 1 में हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आगे काम आता है। जो बच्चे सेमेस्टर 4 में हैं उसको भी समझना पड़ता है क्योंकि आगे उसके लिए काम आता है, बस मैं ये कहूंगा। तो एक सवाल लेते हैं आपके सामने, एक बेसिक सा सवाल है ये, और इस सवाल को हम जितने भी मेथड है ना उन सभी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं, इसको नीचे करना बेटर है। नोटिंग वगैरह अभी आपने कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा यूनिक, कई बच्चे किताब में से भी करते हैं, तो मैं पहले बता दूं किताब का फॉर्मेट और मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है।
मैं थोड़ा एक दो डिटेल ना फालतू डाल देता हूँ इसमें, डेट का, आप एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मैं पर्टिकुलर, फिर मैं लिखूंगा रिसीव, फिर मैं लिखूंगा इशूड, और लास्ट में क्या लिखें। और इसको ना एक नाम से जाना जाता है एग्जाम में, कई बार बोलते हैं क्वेश्चन लीफो फीफो से तो पहचान जाते हैं, स्टोर लेजर भी बोलते हैं। लेजर क्या होता है? बेसिकली रजिस्टर, जैसे आपका अटेंडेंस होता है तो अटेंडेंस रजिस्टर, ऐसे ही स्टॉक को जहां मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं स्टोर लेजर। तो इसके ऊपर जो लिखना है ना आपको, स्टोर लेजर लिखना है। क्या चीज? लीफो फीफो। हाँ, एग्जाम में क्या आता है, आपके क्वेश्चन तीनों मेथड भी दे देंगे, बोलेंगे तीनों से करके दिखाओ तो ज्यादा मार्क्स बढ़ा देंगे। एक मेथड भी आ सकता है, दोनों भी। हालांकि इसमें लीफो और फीफो बोला गया है तो आप इन पे ध्यान मत दो। मैंने कहा इसी सवाल को ना मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। सर इसके बाद सर तीन कॉलम, किस किस चीज के? सर तीन कॉलम होगा, एक क्वांटिटी, एक रेट एक टोटल का। सर इसमें क्या क्या लिखना है? क्वांटिटी किस रेट का आया और टोटल। क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल। क्वांटिटी किस रेट का आया, टोटल। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है। हालांकि बुक के अंदर ना दो कॉलम नहीं देते वो, लेकिन मैं दो कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, उसमें कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। मैंने सबसे सिंपल सी बात है, डिटेलिंग के लिए कर रहा हूं। इसको जो बना रहे हैं ये कौन सा हमारा है, स्टोर लेजर। पहले मैं कौन सा मेथड कर लेता हूं, पहले मैं कर लेता हूं आपका लीफो फीफो कर लेते हैं, पहले फीफो कर लेते हैं फिर लीफो कर लेते हैं। फर्क क्या पड़ता है, कोई भी मेथड करें, हम एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। फीफो के अंदर देखा जाए तो डेट हमारे पास काफी सारे गिवन है, तो फीफो के अंदर क्या होता है सर, फीफो के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट इन यानी पुराने वाले सामान को पहले बेचेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कहता है 1 जनवरी 2003 में, तो सर डेट है यहाँ पे 1 जनवरी, मैं सिर्फ 1 जनवरी लिख रहा हूँ, 3 वगैरह नहीं लिख रहा। और आपने क्या करा सर, रिसीव किया है, रिसीव किया है। सर कितने रिसीव करे हैं? कहते हैं 1000 यूनिट रुपए का, यानी 1000 क्वांटिटी 1 रुपए के हिसाब से, तो आपने सामान रिसीव किया।
सर जब 1,000 करा सेल्स तो हुआ नहीं, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा सर? 1,000 ही बचा है, और 1 रुपए का ही कितने बचे हमारे पास? 1,000 बनाए। बड़ी सीधी सी बात है। इसके बाद मैं यहां पे फिर से जनवरी 10 में फिर से रिसीव किया 226, 10 जैन को, 10 जैन को फिर से रिसीव किया सर। कितने रिसीव किए हमने? 260, मैंने 226 बोल दिया था, 260। कितने रुपए वाला? 1 रुपए 1.05, 1 रुपए 5 पैसे। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कितने आ रहे हैं? 273। नाउ 273 के बाद अब देखते हैं क्या सर सेल हुआ। इस डेट पे तो कोई सेलिंग नहीं है, तो इसे डैश लिख रहा हूं। अब हमारे पास दो प्रकार के स्टॉक आ गए, ये पुराने वाला तो है ही है सर, ये तो है ही है 1,000, और एक और खरीद लिया 260, और ये आ गया 1 रुपए 05 के हिसाब से, और टोटल आ गया 273 का, टोटल आ गया 273 का। अगले पे चलते हैं सर। तीसरा, 20 जनवरी को इसने क्या करा है सर? इशू कर दिया है। 20 जनवरी को क्या करा है? इशू कर दिया है। तो 20 जनवरी को इसने करा इशू, तो सर इशू में ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने क्या करा है? बेचा है। अब बेचा है तो इशू वाले में चले जाएंगे। अब मैं बेचना वर्ड जरूर इस्तेमाल करता हूं ताकि समझ आए, बाकी हम बेच नहीं रहे, हम शोरूम में भेज रहे हैं सिर्फ। कितने इशू किए? 700 यूनिट किए। तो भैया समस्या ये है, हम मेथड कर रहे हैं फीफो, तो पहले 1,000 में से निकाले या 260 में से निकाले? तो जवाब है 1,000 में से, तो 1,000 वाले में से निकालेंगे, और 1 रुपए वाला 1,000 ही मैंने लिख दिया है। यहाँ कितने बेचने हैं? 700, तो मैंने यहाँ लिखूंगा 700, और 1 रुपए वाला है, दैट इज आपका 700 हो जाएगा। और अब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा सर? इसमें से तो चले गए 700, तो यहाँ बचा हमारा 300, 1 रुपये वाला, यानी 300। और ये 260 को तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, बेचा ही नहीं है। चलिए सर अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 21 जैन। 21 जैन को क्या करा है सर? फिर से हमने 21 जैन को खरीदारी कर ली है। 21 जैन को मैंने खरीदारी करी है 400 यूनिट, तो 21 जैन मैंने रिसीव कर लिया कितने यूनिट सर? 400 यूनिट रिसीव कर लिया। 400 यूनिट कितने रुपए वाला था? रेट बताना है। अब रेट था हमारा 1 रुपए 15 पैसे, कितने का होगा? 460। नाउ इशू वाला कॉलम रह जाएगा खाली। अब तीन तरीके के वैरायटी हो गए मेरे पास, 300 और 400, ये रुपए वाला है 300, ये 1 रुपए 50 पैसे 5 पैसे वाला, ये हो गया 460 रुपये। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे जरूर कर दूंगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास क्वेश्चन दिखाने के लिए नहीं होगा, मैं ऊपर कर दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है सर? अगला हमारा 22 को फिर से रिसीव हो गया, ये लो कितना रिसीव करेंगे, ये 22 जैन को रिसीव हुआ। 22 जैन को जो रिसीव हुआ ना, वो रिसीव हुआ 300 यूनिट, और रुपए क्या भाव का था ये? 1 रुपए, तो कितने हो गए? 375। अब मैं बात करूं ना अमाउंट वगैरह की,
तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं आपने, है ना? तो अगर हम बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस के केस में हमारे पास चार तरीके के वैरायटी हो गए, 300, 260, 400। ये तो पुराना है, एक 1 रुपये 15 पैसे, सॉरी 1 रुपये 5 पैसे, 0.5 और 1 रुपये 15 पैसे। इसके बाद एक और वैरायटी आ गया सर, 300 यूनिट, कितने वाला, 1 पॉइंट, ये आ गया 300, 273, 460, 375, 375। अब आगे क्या कहता है, 22 जैन के बाद 23 जैन को कहता है इशू 620 यूनिट। 23 जैन को क्या कर दिया, इशू कर दिए सर, कितने कर दिए, 620। तो यहां तो ब्लैंक रह जाएगा। अब 620 करें, मेथड चल रहा है फीफो, तो पहले तो भैया ये वाला बेचो, तो 300 ये वाला बिकेगा रुपए वाला। अब भैया यहां पे हमें टोटल कितने बेचने, बेचने टोटल हमें 600, तो अभी और चाहिए 320, तो 260 ये भी बेचो। अब ऐसा नहीं कि 300 यहां से उठा लेंगे, हमें सीक्वेंस ही चलना होगा, 1 रुपये 5 पैसे। अब और भी चाहिए हमें, और कितने चाहिए सर, 60 यूनिट और चाहिए, 60। अब 60 ये भी निकल गया, अब इसमें से लेंगे तो कितने रुपए, 1 रुपीज 15 पैसे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से कर रखा है 273, और इसको करेंगे तो हम क्या आएगा, 69। अब बैलेंस की बात करते हैं, भैया ये तो बचा नहीं, ये तो बचा नहीं, ये बचा है, लेकिन इसमें से भी 60 बेच चुके हैं, तो बचा कितने, 300, 340, कितने वाला, 1 रुपये 15 पैसा, ये पूरा ऐसे ही बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 और ये वाला आ जाएगा 375। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, अभी काफी क्वेश्चन करेंगे हालांकि हम, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कैसे होगा। इसके बाद फिर बेच दिया 24 तारीख को, यानी सर 24 को फिर से इसने इशू किए, और कितने यूनिट इशू किए इसने सर, अब 240 भैया यहीं से आ जाएगा, 240 कितने रुपए वाला, 1.15, कितने बनते हैं, 276, 276। यहां बचा कितना, 100, कितने रुपए वाला, 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, ये 300 भी तो बच रहा है, 1.25, दैट इज 375। चलिए सर इसको थोड़ा सा साइज कम कर दें, चलिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब कहता है भैया फिर से इसने रिसीव कर लिया, तो रिसीव जब किया इसने, कब किया रिसीव, 25 तारीख को। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, रिसीव किया हमने कब, 25 को। सर कितने रुपए का रिसीव किया, 500 यूनिट, क्या रेट का था, 1 रुपए 10 पैसे, कितने का पड़ गया, 550 का। अब देखा जाए बैलेंस में पहले से ही हमारे पास दो वैरायटी था, अब एक तीसरा रेट वाला भी आ गया,
1.25, कितने वाला आ गया ये उठ के आ जाएगा 500 वाला, दैट इज 1.10, ऊपर आ जाएगा 115 और ये आ जाएगा 550। चलिए सर, अब जैन को 26 को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने इशू कर दिया, 26 जैन को इसने क्या करा, इशू कर दिया। खड़े हो जाओ वहां से, यहाँ जाओ, हाँ जी जल्दी आ जाओ। 26 जैन को इसने इशू कर दिया सर, जब इशू किया इसने तो कितने यूनिट इशू करा, 380। 380 में तो पहले 100 ये जाएंगे, अब 280 चाहिए तो इसी में से 280 लेंगे, यानी 1.15, 115। सर 280 वाला देखा जाए तो 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 350। अब यहाँ पे 300 में से 280 गए तो बच गए थे 1.25 वाले, और 500 आपके बच गए 1.10। तो सर 550 और इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या बनता है, 25 रुपये। आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा नंबर वन, भैया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताइए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताना है, वैल्यू। तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा, सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, इसका टोटल कर लो, टोटल करोगे तो क्या आएगा सर, 575 रुपए टोटल आ गया, तो आंसर 575। तो या आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछे, आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या बोला जाएगा कि हमने कुछ खर्चे किए हैं, एक्सपेंस किए हैं डायरेक्ट, मान लेते हैं 2000 रुपये या 200 रुपये का, आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपने कितने रुपए का सामान बेचा है, ये सवाल पूछा गया आपसे। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पता है क्या करना होगा आपको, बड़ी सीधी सी बात है, ये वाला कॉलम इशू का टोटल है, ये वाला जो टोटल है इशू का, तो आप शुरू से एंड तक जितना भी आपने इशू किया, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, एक मिनट मैं इसको मिटा भी दूं, अगर मैं इसको मिटाऊं तो पीछे का भी मिट गया क्या, ओके चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे टोटल किसका करेंगे हम, इशू वाले का टोटल कर लेंगे, करिए कितना बनता है, टू जीरो एट थ्री बना, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो COGS इज इक्वल टू आपका 2083 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस सर, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है, 200 का, तो इसका आ गया 2283 रुपये। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ, यानी प्लस कर देंगे जितने का सामान था और जितना खर्चा हो गया, तो ये क्या हो गया, COGS। अगर सवाल में देखा जाए, पूछा जाए कि आपने टोटल यूनिट कितना बेचा है ये बताओ, टोटल यूनिट कितना इशू किया है, तो आपसे अगर मैं पूछूं टोटल यूनिट बताओ इशू का, सवाल पूछ लूं मैं टोटल यूनिट, तो बड़ी सीधी सी बात है इशू वाले टोटल क्वांटिटी में जाएंगे 1900, हाँ किधर, सही तो कर रहे हैं, हाँ तो इशू का ही तो पूछ रहे हैं, हाँ टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, ये लिखा हुआ है देखो, टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, तो जवाब है सर 1940।
अगला सवाल पूछा, अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेच दें तो प्रॉफिट बताइए कितना होगा। अगर हम इसे 2 रुपए के हिसाब से बेचें तो प्रॉफिट बताइए। तो 2 के हिसाब से अगर बेचते हैं तो सेल्स का वैल्यू क्या आएगा सर, 1940 इंटू में 2 यानी 3880, और आपका खर्चा कितना हो रहा था, 2283। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या कुछ भी बोल दो। तो ये तो मैं अलग से बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर ऐसा एक पॉइंट डाल सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है यार, हमने तो लिफो फीफो सीखा, एग्जामिनर तो जीपी पूछ रहा है बेच के। तो सिंपल सी बात, आपको क्वांटिटी टोटल करना है और उसके हिसाब से बता दोगे। यहाँ पे जो है आपका पूरा सिंपल सा एक फॉर्मेट किया, ये किससे किया हमने, फीफो से। इसमें किसी को डाउट है अभी तक तो बताओ, फिर हम इसी सवाल को, सेम सवाल को लिफो से करेंगे, फिर सेम सवाल को वेटेड एवरेज से भी करने वाले हैं। पहले इसमें किसी को डाउट, इसमें कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, देखिए। जी बताइए सर, डायरेक्ट एक्सपेंस 200 कहाँ से आया? ओहो, ये मैंने अपने मान लिया था, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे ना ये मैंने माने हैं, सवाल के पार्ट नहीं था, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। सीओजीएस प्लीज रिपीट। सीओजीएस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट कितने का पड़ा। हम आगे पढ़ने वाले हैं सीओजीएस, तो कॉस्ट कितने का पड़ा सर, सिंपल सी बात है, एक तो कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है आपका टोटल कॉस्ट और प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, उसे क्या बोलते हैं हम, सीओजीएस बोलते हैं एक तरीके से। तो बस जो भी आपका कॉस्ट होगा उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो सीओजीएस। हालांकि सीओजीएस का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं कुछ ओपनिंग और कुछ क्लोजिंग, तो फाइनली हमारा टोटल करके ये निकाल सकते हैं।